नमस्कार, मैं रितु गुप्ता कुक ईट रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही नई रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मूंगलेट पिज्जा। बहुत ही स्पेशल हेल्दी रेसिपी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। एक बार इस मूंगलेट पिज्जा की रेसिपी जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मूंग दाल को पहले भिगो लिया है पानी में साफ करके, और इसे करीब 2 घंटे तक हमें भिगोया है, और उसे भिगोने के बाद इसका पानी निकाल दिया है। और अब इसे मिक्सर जार में डालकर इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ ही लिया है 1 इंच टुकड़ा अदरक का, कुछ हरी मिर्च और इनो। इसके बाद लेंगे बटर या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, और कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां। इसमें कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, और साथ ही लेंगे चाट मसाला और चीज स्लाइस, कुछ स्लाइस चीज स्लाइस ली है। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले जो दाल ली है उसे अच्छे से धो लिया है। उस भीगी हुई दाल का हम ब्लेंडर जार में डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ ही इसमें हम 2 हरी मिर्च तोड़कर डाली हैं और अदरक को हम ग्रेट कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तीनों चीजों को मिलाकर एक बारीक पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे, और इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे जिससे ये पेस्ट बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। हम इसे एक जार एक बाउल में डाल लेते हैं। ये पेस्ट बहुत ही गाढ़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। अगर इसमें जरूरत है तभी पानी डालें, अगर ऑलरेडी पतला है तो पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और साथ ही इसमें 1 इनो का सैशे डालेंगे। इसमें पूरा इनो का सैशे डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से फेंट लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और ये बहुत ही फ्लफी हो जाएगा, जिससे जो हम मूंगलेट पिज्जा बना रहे हैं बहुत ही अच्छा फूल कर आएगा। पैन को गरम कर लिया है और उसमें हमने ऑयल को ग्रीस कर लिया है, और जो हमने मूंगलेट का बैटर तैयार किया था वो हम इस कढ़ाई में डालेंगे। ये हमें बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है। 1.5 कप मूंग दाल से करीब 3 मूंगलेट तैयार होंगे। इसे हमें दबाना भी नहीं है, बहुत ही हल्का सा कढ़ाई को हम टैप करेंगे और स्पैचुला से इसे बहुत हल्का हल्का फैला लेंगे। इसे बहुत पतला नहीं बनाना है हमें, इसे थोड़ा मोटा रहने देना है, और जब हम इसे सेकेंगे तो गैस का फ्लेम बहुत ही लो रखेंगे, बिल्कुल भी तेज नहीं होने देंगे। बहुत ही धीमी आंच पर हम इसे सेकेंगे, करीब 5 से 7 मिनट इसे इसी तरह छोड़ दें सिकने के लिए। बहुत ही पेशेंस के साथ हम इसे सेकेंगे, तभी इसमें टेस्ट भी आएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये बहुत ही एक अलग रेसिपी है। इतने ही सिक रहा है, इतने हम जो भी सब्जियां थी उन्हें काट उसमें मसाला तैयार कर लेते हैं। इसे मैंने यहाँ प्याज भी काटी है थोड़ी सी। प्याज को भी सब्जियों के साथ बारीक काट कर मिक्स कर लेंगे। इधर देखिए मूंगलेट जो है वो नीचे से थोड़ा थोड़ा सिक गया है, चेक कर लेते हैं, और किनारों पर चम्मच से बटर लगाएंगे। चारों तरफ कॉर्नर्स पे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा बटर, जिससे बहुत ही क्रिस्प हो जाएगा और बहुत ही आसानी से सिक जाएगा और पैन से भी चिपकेगा नहीं। बटर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह रहने देंगे, इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। बाद में जब ये सिक जाएगा हल्का हल्का इसे हिलाकर देखेंगे, अगर ये हिल गया है तो उसके बाद इसे पलटेंगे।
देखिए सीख गया है, करीब 5 से 7 मिनट से हो गए हैं इसको सीखते हुए। जो किनारे पर आ गया है उसे भी हमने इसमें एकसार कर लिया है। अब इस पे ऑयल ब्रश करेंगे। इसमें बटर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप लगा सकते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे ताकि अंदर तक सिक जाए, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा बनेगा, उत्पम से भी मोटा होगा इसका बैट वो साइज में। इसके बाद हम पिज्जा कटर से इसे ऊपर की लेयर को कट करेंगे। ध्यान रखें पिज्जा कटर बिल्कुल भी पैन में टच नहीं होना चाहिए, नीचे का पोर्शन जो मूंगलेट का है वो बिल्कुल भी ना कटे, केवल ऊपर ऊपर की लेयर हम पिज्जा कटर से काटेंगे। बहुत ही ध्यान से इसको काटें कि पैन में पिज्जा कटर बिल्कुल भी टच ना हो। उसके बाद ध्यान से देखें एक पलटे या स्पैचुला की सहायता से इसको इस तरह से काटते हुए खोल लेंगे। बहुत ही आराम से इसको करें। इसको बीच से काटते हुए कि नीचे का पार्ट जुड़ा रहे और ऊपर का पार्ट अलग हो जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में फिंगर टिप्स की हेल्प लेकर बहुत ही आराम से इसको अलग कर रहे हैं। पिज्जा की तरह से बिल्कुल खुल जाएगा। इसमें पिज्जा कटर नीचे बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है, नीचे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और ऊपर का एक फ्लावर्स की तरह से इसकी लीव्स खुल रही हैं। बहुत ही ध्यान से इसे इसी तरह से अलग कर लें। इसी तरह से सारे मूंगलेट की लीव्स खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद जो हमने चीज ली है उसको भी बहुत हल्के हाथ से कट लगाएंगे और इस पिज्जा पे फैलाएंगे। इस मूंगलेट के अंदर हम इसे स्टफ कर देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बच्चों के लिए आप लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं और बिल्कुल ही एक नई रेसिपी है। जो हमने सब्जियों में मसाला मिलाया था उन्हें भी हम इस पर फैलाएंगे। इस समय भी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, आंच को हम बिल्कुल तेज नहीं करेंगे। जब सब्जी फैल जाएंगी और पिज्जा चीज भी इसके ऊपर लग जाएगी फिर हम इसकी सारी लीव्स बंद कर देंगे। इस तरह से सारी लीव्स बंद कर दें इसे और हल्का सा दबा दें ताकि आपस में चिपक जाएं। इसके बाद बहुत ही लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही सेकेंगे और इसे ढककर पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसकी जो चीज है वो मेल्ट हो जाएगी। देखिए बिल्कुल सिक गया है, अब चीज भी थोड़ा मेल्ट हो गई है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये 1.5 कप मूंग दाल से 3 मूंगलेट तैयार होंगे। आपने बहुत तरीके के पिज्जा बर्गर खाए होंगे लेकिन एक बार इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी भी है और बच्चों के लंच बॉक्स में भी या किसी गेस्ट के सामने भी आप सर्व कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। मेरी सभी रेसिपीज देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।